I love Richie FM, it's so hot. They gave me la la, kai me hi hi. Thank you, Tao Pua, man. Richie FM, it's hot. Here is Rugby Town, Singatoka. Love listening to Richie FM. Richie FM, it's hot. Richie FM is number one in Suva. It's hot. Richie FM, bon chulung chulung. नमस्कार फीजी समाचार दर्शन के साथ रीतिका प्रताप। फीजी इलेक्शंस ऑफिस सितंबर इलेक्शन के लिए नई तरह के बैलेट बॉक्सेस को इस्तेमाल करेगा। इन नए बॉक्सेस को खरीदने के लिए $82,000 से ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा और ये इंटरनेशनल लेवल के रहेंगे। इलेक्शंस सुपरवाइजर मोहम्मद सनीम का कहना है कि ये ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस हैं और लोग अपने बैलेट पेपर्स को बॉक्स के अंदर गिरता देख सकेंगे, जिसे 4 पुल टाइट सिक्योरिटी सील से बंद किया जाएगा। सनीम ने बताया कि पुराने वुडन बैलेट बॉक्सेस उतने सुरक्षित नहीं थे और उसे रखने के लिए भारी जगह की जरूरत पड़ती थी। जापानी सरकार ने बॉक्सेस को खरीदने के लिए पैसे दिए हैं। एक स्थानीय कंपनी द्वारा इन नए बॉक्सेस को बनाया जा रहा है, जिसे इलेक्शंस ऑफिस को अगले महीने की 15 तारीख को दी जाएगी। प्राइम मिनिस्टर वोरेंगे बैनीमारामा का कहना है कि उनकी सरकार की प्राथमिकता देश में लोगों को प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सेवा में सुधार लाना है। उन्होंने ये बयान आज नई मेलीमेली नावो में नए अस्पताल का उद्घाटन करते हुए दिया। बैनीमारामा का कहना है कि आज सही दिशा में ये एक बड़ा कदम है। इस योजना को पूरा करने में चाइनीज गवर्नमेंट ने $11 मिलियन का योगदान दिया है। प्रपोज्ड वन फीजी पार्टी अभी भी रजिस्ट्रार ऑफ पॉलिटिकल पार्टी से अपनी पार्टी के रजिस्ट्रेशन को लेकर लगाई गई अर्जी पर जवाब का इंतजार कर रही है। रजिस्ट्रार मोहम्मद सनीम ने बताया कि वे इस पर अभी भी कुछ काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि प्रपोज्ड पार्टी को दिए गए खत को वापस ले लिया गया है, क्योंकि अर्जी को लेकर कुछ नए विषय सामने आए थे जिन पर गौर करने की जरूरत है। प्रपोज्ड वन फीजी पार्टी के खिलाफ एकमात्र ऑब्जेक्शन को फीजी फर्स्ट द्वारा किया गया था, जो दावा कर रहे हैं कि उनके नाम में समानताएं हैं जिससे वोटर्स को उलझन होगी। और खेलकूद में डंडरुंगा रग्बी यूनियन का कहना है कि अगर उन्हें कल तक फीजी रग्बी यूनियन से कोई जवाब नहीं मिलता, तब सभी मुख्य यूनियंस की एक सभा शनिवार को सुबह में होगी, ताकि वे अपने अगले कदम पर विचार कर सकें। डंडरुंगा रग्बी यूनियन ने FRU को कल तक का समय दिया है कि वे स्टेलियंस द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं पर जवाब दें। इन चिंताओं में मैन ऑफ द मैच पेमेंट्स तथा अन्य प्राइजेस शामिल हैं। फिलहाल FRU के का कहना है कि उन्होंने प्रोविंशियल रग्बी डेलीगेट्स को शनिवार को एक सभा में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है, ताकि सभी चिंताओं से निपटा जा सकें। FRU के चेयर फिलिमोनी वांगाबादा का कहना है कि डंडरुंगा रग्बी यूनियन द्वारा जिन चिंताओं को व्यक्त किया गया है, वे खास रूप से संचालन से संबंधित है और ये स्कीपर कप कॉम्पिटिशन के स्पॉन्सर्स CJ पटेल से कोई ताल्लुक नहीं रखता। ये थे आज के मुख्य समाचार। शुभ रात्रि। Richie FM is number one in Singapore. I love Richie FM, it's so hot. They gave me la la, kai me hi hi. Thank you, Tao Pua, man. Richie FM is hot. Here at Rugby Town, Singatoka, love listening to Richie FM. Richie FM, it's hot. Richie FM is number one in Suva. It's hot. Richie FM, bon chulung chulung. Richie FM, it's hot.